बायोमेट्रिक जो है वो आप अपनी खुद पिक कर सकते हैं, कैनेडा टूरिस्ट वीजा के लिए आप अपनी अपॉइंटमेंट खुद पिक कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं वो आप मेरी, पहले मैंने एक वीडियो डाली है उसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया है कि आप घर बैठे अपनी बायोमेट्रिक कैनेडा टूरिस्ट वीजा की कैसे पिक कर सकते हैं। दोस्तों अगली चीज ये है कि बायोमेट्रिक जब अपॉइंटमेंट आपकी पिक होती है उसके बाद आपने वहां पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो वो मैं आपको बता दूं, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। सबसे पहले है आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, दूसरा बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर जो आपकी सबमिशन लेटर, फाइल सबमिशन के बाद जो लेटर आती है वो लेटर लेके जानी है, और तीसरी चीज है अपॉइंटमेंट लेटर जिसपे लिखा होता है कि आपकी अपॉइंटमेंट किस दिन है, डेट क्या है और टाइम क्या है। तो ये 3 चीजें आपने लेके जानी होती है, इसके अलावा और कोई भी चीज आपने नहीं लेके जानी है। और इसकी जो फीस है वो पहले से ही पे होती है जब आप अपनी फाइल सबमिट करते हैं। तो एक बात यहाँ पे मैं और क्लियर करना चाहती हूँ वो ये है, कई बार मैंने मैसेजेस में देखा है लोगों के मैसेज आते हैं उसमें लिखा होता है कि हमारे बायोमेट्रिक हो गए हैं, हमारा पीपीआर रिक्वेस्ट कब आएगा। तो सबसे पहले मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूं कि जब बायोमेट्रिक हो गए हैं उसके बाद आप रिजल्ट की वेट कीजिए। रिजल्ट अगर रिफ्यूजल है तो रिफ्यूजल लेटर आएगी, अगर आपका ग्रांट होना है वीजा तो आपको पीपीआर रिक्वेस्ट आएगी। आप ये सोच के मत बैठिए कि भाई बायोमेट्रिक हो गए हैं और हमें पीपीआर आनी है। उम्मीद तो ये करती हूँ कि जो वीजा आप अप्लाई करते हैं आपका वीजा ग्रांट हो जाए, पर फिर भी ये जो डाउट है मैं ये क्लियर करना चाहती थी कि बायोमेट्रिक के बाद आप रिजल्ट की वेट कीजिए। दोस्तों कई बार मैंने ये भी कमेंट्स में पढ़ा है कि लोग पूछते हैं कि क्या हम टूरिस्ट वीजा, कनाडा का टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर सकते हैं होटल बुकिंग पे। जी हाँ आप बिल्कुल कर सकते हैं, वो पहले भी ओपन था अब भी ओपन है, पर ये जरूर है कि जो आपने डेट्स डालनी है ट्रैवलिंग डेट्स वो थोड़ा दूर की डालें। तो होटल बुकिंग पे भी आप टूरिस्ट वीजा कनाडा का अप्लाई कर सकते हैं। वीजा हब हिंदी को ऐसे प्यार देते हैं। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए किसी टॉपिक पे तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।